नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम सफल होने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, और सफल नहीं हो पाते तो वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो मैं ये जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें क्या है दोस्तों, जो 5 क्वेश्चन हैं जो हमें खुद अपने आप से पूछने चाहिए, उन क्वेश्चनों को आपके सामने बताऊंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को सफल होना है उस व्यक्ति को ये 5 क्वेश्चन अपने आप से करने चाहिए, तब वो व्यक्ति सफल हो सकता। ये 5 प्रश्न हैं कौन कौन से, तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हमें क्या प्रेरित करता। कुछ लोग होते हैं, एग्जाम्पल मानिए कि जो उनके अभिभावक होते हैं बच्चों के, तो जबरदस्ती उन्हें, मतलब जिस कार्य को करना नहीं चाहते तो उस कार्य के लिए बार बार कहते हैं उनसे, लेकिन बच्चा इस कार्य को नहीं चाहता। बच्चे को कुछ प्रेरित कुछ और ही करता है, बच्चा किसी दूसरी चीज से ही सीखता है। तो इस तरह से, मतलब जो चीजें हमें प्रेरित करती हैं हमें उसमें ही रुचि लेनी चाहिए, उसमें ही हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनमें नहीं जो हमें रुचि नहीं देती। इसका क्या रीजन है भाई, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बताते हैं कि बच्चा जिस चीज में रुचि लेता है उसमें वो अच्छी तरह से कंठस्थ चीजों को याद कर लेता अच्छी तरह से वो, और अच्छी तरह से उसके माइंड में वो चीजें बस जाती हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कार्य तो करते हैं लेकिन अब की अपनी जो गलती उन्होंने की है उन्हें कभी नहीं देखते, अपनी गलतियों को कभी देखते ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं है कि कार्य तो करना चाहिए लेकिन कार्य के साथ जो गलतियां हम कर रहे हैं उन्हें भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गलतियों से हम काफी कुछ सीखते हैं। नंबर 2 हो गया, यानी कहने का मतलब यह है कि हम गलती कहां कर रहे हैं ये चीज हमें देखना चाहिए। नंबर 3 हो गया हमारा कि हमने गलतियों से क्या सीखा। देखिए, वैज्ञानिक विधि के जो चरण होते हैं उसमें एक पॉइंट यह है भी है कि जो, मतलब कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है तो जरूरी नहीं कि वो सलाह बिल्कुल ठीक ही हो सकता है वो सलाह ठीक भी हो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि उस सलाह को हम किस तरह से लेते हैं, यानी उसे अच्छा मानते हैं हम बुरा मानते हैं, या फिर उसमें से अच्छाई हम चुन सकते हैं, या फिर जो गलत विचार हैं उन्हें निकाल सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता। यानी तीसरा जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। यानी प्रत्येक व्यक्ति, संसार में किसी को भी ले लो, हम गलतियों से काफी कुछ सीखते हैं लेकिन हम उन गलतियों को नजरअंदाज करके उस चीज को नहीं देखते कि हमने गलतियों से क्या सीखा। हमें चाहिए कि जो हमने गलती पीछे की है वो गलतियां हम भविष्य में ना करें, या फिर आने वाले समय में उन गलतियों को ना दोहराएं। नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 है दोस्तों कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करा या नहीं, यानी हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया या नहीं। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप इन बातों को लेकर के चलते हैं जो मैंने आपको 3 क्वेश्चनों के माध्यम से बताया, अगर आप इन बातों को लेकर के चलते हो तो मुझे विश्वास है कि आप जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको ये 3 क्वेश्चनों को लेकर चलना है, 3 बातों को मन में रखना है, और टारगेट केवल एक ही बनाना है कि हमें लक्ष्य हासिल करना है, हमें सफलता हासिल करनी है, हमें सफल होना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि वो काम तो करते हैं लेकिन जो उनका टारगेट होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, जहां वो जाना चाहते हैं उससे वो भटक जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि वहां हमें पहुंचना है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ये है कि भाई हम सफल भी हो गए। सफल होने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाते हैं, दूसरे का सम्मान, दूसरे से बात करने का तरीका, ये सब भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि अगर हम सफलता की ऊंचाई में पहुंच भी गए हैं या महत्तम ऊंचाई को छू लिया है तो हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपने आचरण को अच्छा बनाना चाहिए, यानी कहने का मतलब यह है कि हमें वहां तक पहुंचाने के लिए, यानी जहां तक हमने लक्ष्य हासिल किया वहां तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आप इन बातों को लेकर चलते हैं, इन बातों को मानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे व्यक्ति होगे और आप एक सफल व्यक्ति भी बनोगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा कि बताया भी गया भाई, सफलता के लिए तीन पॉइंट्स भी बताए गए हैं। जैसे एक तो होता हमारा लग्न उत्साह, यानी उत्साह, सॉरी उत्साह, लग्न और विश्वास। विश्वास को आत्मविश्वास भी हम कह सकते हैं, यानी अगर हम ये तीन बातें लेकर के चलते हैं तब भी हम सफल हो सकते हैं। यानी उत्साह, अगर उत्साह से मतलब अगर हमारे अंदर करने की ललक होगी कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तो आप जो उस कार्य को करोगे उसमें रुचि लोगे, यानी लग्न मतलब उसमें रुचि होगी आपकी, और उसके बाद जो आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर लूंगा। अगर आप इन तीनों पॉइंट्सों को चलते हैं लेकर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सफल व्यक्ति हो जाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के लिए शेयर करें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।